यदि आपके मोबाइल पर नरेगा के पेमेंट्स का मैसेज नहीं आता है, तो नरेगा का पेमेंट चेक करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा और हो सकता है आपको लाइन में भी लगना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने नरेगा का पेमेंट्स कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो आपका हो या और किसी का। तो नरेगा का पेमेंट चेक करने के लिए आप किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करेंगे MG नरेगा। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर लिंक आ रहा है, यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहाँ से भी इस पर क्लिक करके वेट कर सकते हैं और अपना पेमेंट्स चेक कर सकते हैं। ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने कोरोना की वार्निंग दिखा रहा है, आप इसे कट करेंगे तो आपके सामने नरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक करना है नरेगा का पेमेंट चेक करने के लिए। ये आ रहा है पंचायत GBPSZP, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने जो ये आ रहा है पंचायत, आपको पंचायत के मेन सामने पे क्लिक करना है। जो पहला आ रहा है ग्राम पंचायत, आप जो पहला ऑप्शन आ रहा है ग्राम पंचायत, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको आगे ले आएगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपकी ग्राम पंचायत आ रही है। फिर आपको ग्राम पंचायत के सब मेन्यू जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है जनरेट रिपोर्ट्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले आएगा। और आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी स्टेट आ गई हैं। आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपकी स्टेट होगी आप उस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले आएगा। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है फाइनेंस ईयर, तो आप जिस भी ईयर का देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं आपको पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी ब्लॉक होगा आप सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक के बाद आपकी जो भी पंचायत होगी आप वो पंचायत सेलेक्ट करेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले आएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो फिर आपको इस पे जाना है। आप देख सकते हैं जो पहला आ रहा है अर्बन जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन, आपको इसके सब मेन्यू पे जाना है। जो आप देख सकते हैं जो 5वें नंबर पर आ रहा है, जो आपका 5वां नंबर है जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, आप इस पे क्लिक करेंगे। जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर जब क्लिक करेंगे तो आपकी पंचायत के सारे जॉब कार्ड्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो पेमेंट चेक करने के लिए आप जिसके भी पेमेंट देखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ इनका आ रहा रीना का, तो आपको रीना के सामने जो जॉब कार्ड संख्या आ रही है आपको इस पर क्लिक करना है। लेकिन फ्रेंड्स किसी किसी पंचायत में बहुत अधिक जॉब कार्ड्स होते हैं, तो आपको अपना नाम सर्च करने में भी उसमें दिक्कत होती है। तो आपको अपने नाम पर डायरेक्ट जाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं थ्री डॉट आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आ रहा है फाइनेंस पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए बोल रहा है। आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ये अलर्ट करता जा रहा है। आप अपना नाम इस तरीके से जो भी होगा आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको ये आपके नाम पर डायरेक्ट पहुँचा देगा। तो फ्रेंड्स फिर आपको पेमेंट चेक करने के लिए जिसकी भी आप पेमेंट चेक करेंगे तो आप उस नाम के आएंगे जो जॉब कार्ड संख्या आ रही है, आपको उस पर क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, तो आप देख सकते हैं ये जॉब कार्ड आ रहा है। फिर आप नीचे आएंगे तो ये आ रहा है जो कार के लिए रिक्वेस्ट की जाती है वो आ रहा है, और कौन सा कार ऑफर किया गया है वो आता है। फिर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पीरियड ऑफ वर्क दिखा रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ पर किस तारीख से आपने कार स्टार्ट किया था वो आएगा, और आपने कितने दिन कार किया था वो दिखाता है, कौन सा कार किया था ये दिखाएगा, और यहाँ मास्टर रोल नंबर आता है और यहाँ आपका कुल पेमेंट दिखाएगा।
तो आप अपनी अटेंडेंस देखने के लिए कार्य पर भी क्लिक कर सकते हैं और मास्टर रोल नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। मास्टर रोल नंबर में दिखाता है कि आपने एक ये नंबर होता है मास्टर रोल नंबर, जिसमें दिखाता है कुल कितने लोगों ने कार्य किया है। तो आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे ले जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको वर्क नेम दिखा रहा है, नेचर ऑफ वर्क दिखा रहा है, वर्क स्टार्ट दिखा रहा है, ऑन गोइंग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है ऑन गोइंग, फिर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट दिखाएगा, और सेक्शन डेट दिखा रहा है। और फिर आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके मास्टर रोल नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ 1957 पे हमने क्लिक किया था। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपकी मास्टर रोल संख्या आ रही है, तारीख आ रही है, कब से कब तक आपने काम किया था, स्वीकृति क्रमांक आ रहा है, कार्य संहिति दिखा रहा है और कार्य का नाम। आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं इस मास्टर रोल में कुल कितने लोग कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 10 दिखा रहा है। हमने सचिन कुमार के नाम से देखा था तो आप देख सकते हैं सचिन कुमार का पूरा विवरण आ रहा है यहाँ पर। आपकी यहाँ पर दिखाएगा प्रेजेंट कितनी है, कब आपने एब्सेंट किया था, और यहाँ पर कुल दिन दिखाएगा, और एक दिन का कुल कितना पैसा मिलता है वो दिखाता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और आपका कुल कितना पैसा बना है ये दिखाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दिखाता है यात्रा और खाने पर व्यय होगा वो दिखाएगा, औजार पर होगा वो दिखाएगा, आपको कुल कितना पेमेंट बनेगा वो दिखाएगा, और आपकी कौन सी बैंक में अकाउंट है ये दिखाता है, और कहाँ पर शाखा है, और क्या आपकी IFSC कोड है, और बिजनेस नंबर दिखाता है, स्टेटस दिखाएगा, और क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ अकाउंट में ये दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना नरेगा का पेमेंट बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। थैंक यू।